नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और आप सभी का स्वागत है नॉलेज जंक्शन 01 में। आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे एक तरह का माउथ फ्रेशनर भी कहा जा सकता है और इसकी खासियत है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इसे हम अनार पाक कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अनार पाक बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं अनार का जूस। ये फ्रेश अनार का जूस है, ये हमने आधा कप लिया है। एक कप से थोड़ा सा कम हम चीनी यूज करेंगे। स्वाद अनुसार हम काला नमक यूज करेंगे और थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च यूज कर रहे हैं। और एक प्लेट को घी की कुछ ड्रॉप से ग्रीस कर लिया है हमने। तो हम अपना स्टोव ऑन कर लेते हैं। अनार का जूस डालेंगे पैन में और अब ये शुगर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब तक अनार का जूस और चीनी जमने के फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे इस तरह से। हमें 5 मिनट हो गए हैं लगातार चम्मच से इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। हम हल्का सा ड्रॉप एक प्लेट में देखते हैं डालकर कि ये जमता है या नहीं जमता। ये अभी भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही है तो अभी इसे थोड़ा और पकाना है। अभी हम इसमें अपने नमक और काली मिर्च भी डाल लेते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक और काली मिर्च हमने इसमें मिला लिया है। अब इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं चम्मच से चलाते हुए। ये देखिए ये जमने लायक कंसिस्टेंसी में हुआ। तो अब हम इसे स्टोव को ऑफ करके प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म होगा तो थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही इसमें कट के निशान लगा दीजिए वरना इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में निकल आएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी अनार कैंडी को अपने बाउल में निकाल लिया है और देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसमें प्योर अनार का ही कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर हमने अलग से नहीं मिलाया था और न ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है। ये एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है। आप घर में सभी को इसे खिलाइए। बच्चों को टॉफ़ी और कैंडी की जगह इस बार अनार कैंडी खिलाइए। सभी को यह बहुत पसंद आएगा और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा भी रहेगा। टॉफ़ी और कैंडी से एक अच्छी चीज़ है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।